राइट, तो आज हम खेलने वाले हाइड एंड सीक और मैंने बुक करा ये पूरा फार्म हाउस। आज इन 12 कंटेस्टेंट्स में से जिसको मैं ढूंढूंगा आखिरी में, वो घर लेके जाने वाला है 1,00,000 रुपए कैश। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है इस पूरे फार्म हाउस में छुपने के लिए, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर जाने का, लेट्स सी। वॉकी टॉकी हमें मिला हुआ है, यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती रहेंगी। मैं यहाँ पर छुप गया हूँ, बिल्कुल लग तो सही जगह रही है। अगर गया नीचे तो डायरेक्ट ऊपर। आज तक हमने सारे इवेंट करे थे यूट्यूबर्स के साथ, पर आज सब्सक्राइबर्स भी हैं इस गेम में। ये लोग खुश तो बहुत ज्यादा है, बट ये मेरी गेम है। विद टाइम टर्न्स आएंगे, ट्विस्ट आएंगे, इनकी ऐसी की तैसी होने वाली है। बाथरूम में आपके छुप गया हूँ, आराम से चिल। मैं छुप गया हूँ यहाँ पे, उनसे देंगे इस जगह पे। मकड़ियों के बीच में छुपा हूँ मैं। ओके, तो 5 मिनट हो चुके हैं। गाइस, आई एम कमिंग टू हंट। यहाँ पर मेरे को बिल्डिंग दिख रही है, तो इस बिल्डिंग में ही देख लेते हैं, क्या पता कोई हो। पसीना देखो मेरे नाक पे, पसीना बह रहा है। अब देखो यहाँ से अगर मैं 1,00,000 रुपए लेकर नहीं गया, स्पाइडरमैन बनकर तो निकलूंगा ही निकलूंगा। भाई इतने कमरे हैं फिर भी कोई नहीं है यार, 1,00,000 रुपए का सवाल है, ऐसे तो कोई छोड़ने नहीं वाला। जान तो सभी लगाएंगे ना भाई। मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी पर्सनल गट फीलिंग है कि कोई ना कोई मैं पकड़ सकता हूं यहां पर। आ जाओ। भाई यहां पर भी कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो गया यार? मतलब मेरे को 100% लगा था कि कोई ना कोई पक्का मिलेगा यार। अगर वो छुपने में तेज है तो मैं खिलाने में तेज हूँ। नहीं मिलेंगे तो 5 मिनट बाद ऐसा ऐसा झोल खेलूंगा कि बाहर तो आना पड़ेगा। पर कोशिश करते हैं, पहले हम किसी को ढूंढ ले। आ जाओ भाई, मेरे को सही में लगा था कि ये यहाँ पर होने वाले है, बट ये यहाँ पर नहीं है। बट कोई नहीं, अब हम जाने वाले दूसरे एरिया में चेक करने। लेट्स गो। मेरे को ऐसा लगता है कि इस एरिया में अगर कोई छुपना चाहे ना, तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर ही जाएगा। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा इतना छोटा सा रूम है। जानवान जानू बुझा करके तो पीछे लोग बुझा कर। कोई दिखा, कोई दिखा, कोई दिखा। आजा आजा आजा। यार मुझे देखे थे। अबे ऐसे बंद कोई कर सकते हो भाई? पकड़े नहीं जाना भाई, मुझे पकड़े नहीं जाना। कोई तो था यार। फाइनली हमने अपना पहला शिकार पकड़ लिया है। आउट। आओ इसको जेल लेके जाएं। लेट्स गो। सबसे पहले मैं पकड़ा गया हूँ यार, वो 1,00,000 रुपए चले गए मेरे हाथ पर, क्या कर सकते हैं यार। बहुत मजा आया फुकरा भाई, और इतनी तेजी से भागते आया। अभी मजा तुम्हें पता कब आएगा? मजा तुम्हारे को आएगा जब तुम जेल जाओगे। अभी जेल भी तो दिखाना है। आ जाओ। तो ये रहने वाली हमारी जेल। करण भाई आओ, जेल में कुर्सियां भी है भाई, कोई नहीं बैठो। मैं ना बिल्कुल ही जेल के ऊपर बैठा हूं। और वो देखो ड्रोन जा रहा है। टाइम फॉर द सेकंड वन, लेट्स गो। आओ लेफ्ट देखते हैं। तो आई हैव अ पार्टनर नाउ, जो बहुत ही अलग अलग तरीके ढूंढ के छुपने की कोशिश कर रहा है। तो मैं टेंट में हूँ। एक और पकड़ना यार। कहाँ गए? यहाँ से मेरे को जल्दी से स्पॉट बदलना होगा, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। और हेलो, कौन है ये? पकड़ लिया। आ जाओ भाई। अरे पता नहीं कैसे, मतलब मेरे को लगा कि यार ये जगह अच्छी लग रही है, पर यहाँ से मैं देखूँ ना तो कोई दिख नहीं रहा था। पर मैंने कहा नहीं यार, एक बार देख ही लेता हूँ। मिस्टर एक्स वाई जी, हाउ वाज इट? इट वाज वेरी टफ। मैं अगर बच गई तो मेरे से बड़ा लकी कोई इंसान। नाउ यू आर अरेस्टेड, आओ जेल में।
2-1-2 boys. Time for the third one. Let's go. Max 10 हो सकता है इसके अंदर 100%. कोई ना कोई तो हो सकता है. मेरे को लिटरली ऐसा लगा यहाँ पर कोई इंसान है, आवाज आ रही थी, फिर बाद में देखा आउट ऑफ एरिया है वो और वहां पर मोर डांस कर रहे हैं. मुझे अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, वो जो बिल्डिंग में हमें पहला इंसान मिला ना, हमारे को वहीं जाना चाहिए, वहां और लोग मिलेंगे. आ जाओ स्लो स्लो स्लो. हेलो भाई, ये इंसान यहां पर सो रहा है, मजे से सो रहा है भाई. क्या तुम्हें क्या लगा था मैं आऊंगा नहीं, या नींद आ गई थी? नींद तो नहीं आई, बड़ी देर से सोच रहा था कोई आ नहीं रहा, मुझे लगा यहाँ तो नहीं आओगे. गन रेडी है? मुझे एक बात बताओ, 1,00,000 रुपए का सवाल है, तुम आराम से गेट खोल के लेटे हो या सो रहे हो, क्या चाहते हो? एक्टिवनेस नहीं है भाई, कह रहा 1,00,000 रुपए हर मिनट आते हैं, मैं सो रहा हूँ. खेल में लेके चलो भाई, एक और चांस दे दो, एक और दे दो, कुछ नहीं मिल रहा. तीन बंदे हमने पकड़ लिए, बट नाउ इट्स टाइम फॉर अ ट्विस्ट. मैं चाहता हूँ बंदों को जल्दी जल्दी पकड़ूं. तो वीडियो के स्टार्टिंग में सबको एक एक बैग दिया हुआ था. इस बैग में 3 जिप, और 3 जिप का मतलब 3 सरप्राइजेस. अब बारी है इनकी फर्स्ट जिप खोलने की, जिसके अंदर इनको मिलेगा बॉम्ब. हर बंदे को एक बॉम्ब जलाना नेसेसरी है खुले में आके. आप सबको वीडियो के स्टार्टिंग में दिया हुआ था एक बैग, इस बैग की जो फर्स्ट जिप है आपको वो खोलनी है. ओ भाई ये क्या है? पटाखा. ओ भाई बम. ओ शिट. भाई फुकरा भाई, दिवाली तो बहुत दूर है अभी, उग्रवादी बना दिया. आप सबको अब नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर एक बॉम्ब फोड़ना है खुले में आके. आप ये बॉम्ब किसी भी घर के अंदर नहीं फोड़ सकते. मुझे 9 ब्लास्ट सुनाई देने चाहिए 5 मिनट में. टाइम शुरू होता है अब. अबे एक बॉम्ब तो फोड़ भी दिया उन्होंने, एक बॉम्ब फूट चुका अब तक. तीन जने आ चुके हैं यहाँ पे. ये बम रहा दूसरा, दो फूट गए. अरे पकड़ लिया. अनन्या आउट. पापा की पड़ी एक बार आउट हो चुकी है. जला देना अब एक ही बार. ओके वन टू. मेरे हिसाब से भी 7-8 बम फूट चुके हैं. तूने कुर्बानी दी अपनी, तेरे को पकड़ने के चक्कर में सबने बम फोड़ लिए. एक और बम फागो. मैंने अपना बम फोड़ दिया. 9 बम फट गए. एक्चुअली मैंने प्लान किया था मैं बम फोड़वाऊंगा तो 2-3 बंदे तो पकड़ ही लूंगा, बट यहाँ प्लान फ्लॉप होता दिखता है. सिर्फ एक बंदा पकड़ पाए हम. ये सबको लग रहा था जो यहाँ पर बैठे हैं कि वो जीत जाएंगे. गाइज एक बॉम्ब हमारा जो फूटा है वो फूटा है बिल्डिंग के अंदर, तो जिसने बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब फोड़ा है वो डिस्क्वालीफाई होता है, वो बाहर आ जाए. ये बिल्डिंग के ऊपर रेलिंग के बाहर बॉम्ब फोड़ा था, ना कि बिल्डिंग के अंदर. वीडियो रिकॉर्ड करी है उसकी? नहीं. तो भाई आपको आना पड़ेगा बाहर, क्योंकि अगर वीडियो नहीं है तो वो बॉम्ब बिल्डिंग के अंदर माना जाएगा. अगर आप उसका प्रूफ दे पाते तो हम आपको कंटिन्यू करवाते. अब आपको बाहर आना पड़ेगा. ही इज देयर. सही तरीके से आउट किया इन लोगों ने. तो गाइस फाइनली हमारा 5th बंदा यहाँ पर आ गया. अब आप जाएंगे जेल में. कैसा लगा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो अच्छा था, लेकिन बस आउट हो गए. एक तो रह गए यार. ये हमारी वीडियो में इसलिए आया क्योंकि इसने हमारे को सब्सक्राइब करवाया यूट्यूब चैनल पे, और इसने हमारी सारी वीडियोस देखी और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है. आप भी बन सकते हो वीडियो का पार्ट, करना कुछ नहीं है, यही सब करो, सब्सक्राइब. जाओ भाई जेल में. उसका फोन देने के चक्कर में मैं बम नहीं फोड़ पाया. जेल में हमारे 5 बंदे फंस गए हैं. अब बारी है बाकी 7 की. 5 बंदों को पकड़ने में मेरी हालत खराब होगी. मैं सोच रहा हूँ जो 7 बंदे ये बाहर छुपे हुए हैं या बिल्डिंग में छुपे हैं, आई डोंट नो, उनको कितनी गर्मी लग रही होगी. पर अब हम उनको देते हैं मौका कुछ जीतने का. आओ करते हैं अनाउंस. इस फार्म हाउस में 5 डब्बे हैं अलग अलग जगह पे, जिन पे 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है. इन डब्बों के अंदर है सरप्राइजेस, किसी के अंदर है कैश प्राइजेस. तो आप नेक्स्ट 5 मिनट में कभी भी जा सकते हैं, उन डब्बों को उठा सकते हैं. क्या पता उसमें जो कैश हो वो प्राइस मनी से ज्यादा हो. अरे डब्बा खोलना जरूरी है क्या? कंपलसरी है क्या? कंपलसरी नहीं है. अगर तुम पैसा लेना चाहते हो तो लो, नहीं लेना चाहते तो छुपे रहो. एक डब्बा ना मेरे बिल्कुल सामने हो रहा. गाइस एक डब्बा मिला. फाड़ते. अरे चॉकलेट है क्या? क्या लिया है पता नहीं क्या था इसमें. भाई हमने लगा दिया छिपके फील्डिंग, ठीक है,
अगर कोई लालच में आएगा, दो नंबर बॉक्स के नीचे 10,000 रुपए कैश पड़ा है भाई, तो देखते हैं क्या होता है। कोई आया, कोई आया। लालच, लालच। हम छुप के बैठे थे वहां पर, इसलिए भाई को दिखा दिया। मैं पहली बोल रहा हूं, मैं तो दूसरा भी खोल देता हूं। कौन सा डब्बा खोला था? पहला वाला। क्या मिला उसके अंदर? टेडी। अगर तू ये बॉक्स खोलता तो बहुत मोटा प्राइस जीत के जाता। अब भाई जाएगा सीधा जेल, टेडी बियर का तरह टेडी बियर लेके जेल जाएगा। लो भाई इसका टेडी ले आ। 6 बंदे हम पकड़ चुके हैं, 6 बाकी हैं। कौन जीतेगा ये गेम? बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है भाई। मेरे तो बिल्कुल सामने पड़ा है डब्बा। वहां से झाड़ियां हिल रही हैं। हम लड़कियां इतने भी बेवकूफ नहीं है कि लड़कों की बातों में यूं ही आ जाए। मुझे लगता है मैं पकड़ी गई। फाइनली हमने रीवा को पकड़ लिया है। तो कितनी देर से यहाँ छुपी है? सबसे ही छुपी हुई यहीं पर। स्टार्ट ऑफ द गेम से यहीं पर। स्टार्ट ऑफ द गेम। फाइनली हमने तेरे को पकड़ लिया। आओ बाहर जेल में लेके जाए। 1 लाख का सपना चूर चूर हो रहा है, तेरे को कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। मैं पहले सोच रही थी डब्बा मेरे सामने पड़ा था, वो भी नहीं खोला। वो भी नहीं खोला। हम इतनी दूर थे, 4th नंबर तो खोलना चाहिए था, तेरे को सरप्राइज मिल सकता था। सोचा था, फिर मैंने सोचा कि यार नहीं हुआ तो फिर लॉल हो जाएगा। लॉल होने से हमने तेरा बचा लिया, बट अब तेरे को जाना पड़ेगा जेल में। भाई की नजरों से बच के बाहर तो आ गए और एक डब्बा कलेक्ट ऑलरेडी कर लिया। सर यहाँ मेरे को दिख रहे हैं 2 डब्बे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ कैश वाइस तो तुम्हारा भाई लेके जाएगा। खाली आते जाता, देखे जरा इसमें क्या है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। देखना खान, थोड़ा सा तो पैसा दे। 2 दे दिया भाई साहब। क्या लाख? 10,000 रुपये। कोई दिखा मेरे को? कोई दिखा है? हेलो। हमने तो भाग नहीं पाया। प्रशांत को पकड़ लिया है। तूने क्या 10,000 कलेक्ट करे? भाई तुम्हारे भाई ने चॉकलेट भी कलेक्ट करी है, 10,000 भी कलेक्ट कर रहे हैं। तुम्हारा भाई खाली हाथ नहीं जा रहा। क्या बात है भाई साहब, 3 डब्बे खोल दिए सही में। 3 डब्बे भाई, मास्टर प्लेयर तो यही निकला यार। नाइस यार, कांग्रेचुलेशंस। बट 1 लाख नहीं कमा पाया, बट एटलीस्ट खाली हाथ नहीं जा रहा। सबसे खुश जा रहा है भाई ये जेल में, अपने कोई रिग्रेट नहीं है भाई। तो गाइस फाइनल 4, अब मैं इनको देने वाला हूँ झटका, क्योंकि अब खुलेगी हमारी सेकेंड जिप, जिसके अंदर है एक मैप। आपके पास जो बैग है उसके अंदर की जो सेकेंड जिप है, आप उस जिप को खोलिए। हाँ मैंने खोल लिया, समझ नहीं आ रहा पर ये। गाइस अब जैसे तुम्हारे पास मैप है सामने स्क्रीन पर, इसमें 3 गोले लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 बिल्डिंग्स है, 1, 2, 3। तो अब नेक्स्ट 8 मिनट में, लाइक अभी हो रहे 3:42 से पहले पहले आपको इन 2 बिल्डिंगों में जाना है, फर्स्ट या थर्ड। इसके अलावा आप कहीं ओपन में नहीं छुप सकते, इसके अलावा आप सेकंड बिल्डिंग में नहीं छुप सकते। या तो आप जा सकते हो फर्स्ट बिल्डिंग में, या आप जा सकते हो थर्ड बिल्डिंग में। मैं यहाँ पर आंख बंद करके घूम फिर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें ना पकड़ूं। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब होने वाला इंटरेस्टिंग, अब ये भागेंगे, अपने बिल से बाहर निकलेंगे। अब तो इनको जाना ही है ना, मैंने इनको बोला मैं इनको पकड़ूंगा नहीं, बट बहुत तेज हूँ बेटा, पकड़ूंगा तो है ही। अब टाइम आ चुका है रियल लाइफ पबजी खेलने का। गाइस 3 मिनट बचे हैं और 3 मिनट के अंदर अंदर आप फर्स्ट या थर्ड बिल्डिंग में हो जाने चाहिए। गाइस मैं फ्रिज के अंदर हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी है ये फ्रिज के अंदर, इधर ज्यादा देर तो नहीं बैठा जा सकता। गाइस सिर्फ 1 मिनट और आपके ऊपर छत होनी बहुत जरूरी है, फर्स्ट बिल्डिंग की या थर्ड बिल्डिंग की। फ्रिज में तो नहीं छुपे यार? फ्रिज में भी हो सकते हैं यार, आजकल के यूट्यूबर्स लिविंग इन फ्रिज 24 आवर्स करते हैं यार। अबे इतनी जगहें हैं, इतनी जगहें हैं इस फार्म हाउस में, मेरे को कोई खेला है मैं तो मिलूं ना भाई। सारे वहां पर है क्या थर्ड वाली बिल्डिंग में? यहां तो मिल नहीं रहे।
हाय हेलो फाइनली ये इंसान मुझे कहाँ मिला है भाई। मैं कसम से जाने लगा था यहाँ से, पर फिर मैंने सोचा कोई तो हो सकता है। भाई साहब यू प्लेड वेल भाई, आओ। तो गाइस अब हो गया बहुत ज्यादा टाइम, मैं पूरी एनर्जी मेरी ड्रेन आउट हो चुकी है कसम से। हम इतनी देर से गेम खेल रहे हैं, बट अब मेरे पास आया एक मास्टर प्लान जो होने वाला है फाइनल राउंड। ये खोलेंगे अपनी थर्ड जिप जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, टॉर्च है, लाइट पूरी है, टॉर्च की जरूरत। अब हम एक बिल्डिंग और कम करने वाले हैं, सबको बुलाएंगे इसी बिल्डिंग में, हमारी बिल्डिंग नंबर वन में। थर्ड बिल्डिंग भी कर देंगे एलिमिनेट, फाइनल अनाउंसमेंट। फाइनल थ्री, इट्स टाइम फॉर लास्ट अनाउंसमेंट, इल्लुमिनाटी वर्सेस दी वर्सेस मैक्सटर्न। ऑलवेज नेक्स्ट 10 मिनट में आपको बिल्डिंग नंबर 1 में पहुंचना है और सिर्फ वहीं छुप सकते हैं आप। बिल्डिंग नंबर 3 भी एलिमिनेट होती है। अब हमारा जोन लिमिटेड हो गया है जो है बिल्डिंग नंबर 1। अब मैं देख नहीं रहा कि वो वहां से आ रहे हैं नहीं आ रहे क्या आ रहे हैं, मुझे पता है आएंगे तो यहीं। एक बार उनको आने दो। सिर्फ आखिरी दो लोग बचा है मेरे अलावा। तो मैं ऊपर आ रही थी ना, ही वॉज इन द बिल्डिंग और सीढ़ियों से उतर ही रहे थे, जैसे तैसे मैं भाग के यहाँ आई हूँ। बड़ी मुश्किल से आया हूँ बिल्डिंग नंबर 1 में। हेलो भाई, कैसे छुपता है भाई ये, कैसे छुपता है ये यार। ओ भाई मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ बस। पूछो। 10 लाख पहले हारा, फिर वो वाला हारा था म्यूजिकल चेयर्स, अब ये हार रहा है, हाउ डू यू फील? बुरा लगता है, तकलीफ होती है थोड़ा। ओ फाइनल 3 में मेरा भाई पहुंचा, अब फाइनल 2। हाय फाइनली वी हैव गॉट आवर सेमी फाइनलिस्ट फॉर द डे। भाई तू एक बंदा दूर था, 1 लाख रुपए से एक बंदा दूर था भाई, एक बंदा दूर। होली शिट, पता पूरा टाइम आपके ऊपर था। सही में? हाँ। कैसे? मैं जेल के ऊपर ही सुबह था। ये तो हमारे को पता ही नहीं था। हमें पता नहीं था ऐसी जगह। बट वेयर इज आवर फाइनलिस्ट विनर? ये रही हमारी विनर। कौन से वॉशरूम में थे आप? अरे भाई साहब। ऑलराइट दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की विनर है हमारी नाइशा दी, और ये जीत के जाती है 1 लाख रुपए। और आप लोग भी बन सकते हो ऐसी वीडियोस का पार्ट, करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।